छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को रायगढ़ जिले के दौरे पर वो रहे आज। इस दौरान वे शहर के नटवर स्कूल में आयोजित न्योता भोज कार्यक्रम में शामिल भी हुए और बच्चों के साथ भोजन भी किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए लगातार सरकार के माध्यम से काम हो रहे हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश में स्कूलों के जर्जर भवनों को लेकर कहा कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और अगर 8 से 10 सालों में ही वो जर्जर हो रहा है या फिर मरम्मत की जरूरत पड़ रही है तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के कल्चर पर सोचने की जरूरत है। सुधार के लिए जरूरी है कि प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह रखें कि वो लंबे समय तक चल सके। शासन प्रशासन को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम आवास को लेकर भी जानकारी साझा की। तो न्योता भोज कार्यक्रम भी था जिसमें उन्होंने भोजन का भी लुत्फ उठाया। बच्चों के साथ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भोजन किया और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी भी दी। रायगढ़ दौरे पर थे दरअसल आज ओपी चौधरी। शिक्षा में सुधार के लिए लगातार रायगढ़ जिले में प्रयास प्रशासन के माध्यम से सरकार के माध्यम से लगातार किए जा रहे हैं। आज ही 1000 से अधिक बच्चों को करियर काउंसलिंग का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है तो अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है शिक्षा का स्कूल कॉलेज और अगर 8 साल 10 साल 12 साल में ही उसे जर्जर स्थिति में पाते हैं, मेंटेनेंस की ज़रूरत अगर महसूस होती है तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का जो कल्चर क्रिएट हो रहा है उस पर सोचने की ज़रूरत है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग मैं सुधार के लिए कहना चाहता हूँ तो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को इस कदर रखें, इस तरह रखें कि वो लंबे समय तक अच्छे से चल सके। इसके लिए प्रशासन को शासन को सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है और रायगढ़ जिले के बच्चे एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके उसके लिए करियर काउंसलिंग का, करियर फ्यूचर रोड मैप का एक बहुत ही बड़ा प्लान के तहत काम करने का प्रयास किया जा रहा है।